बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 मिनटों में आप चूहों को हमेशा के लिए घर से कैसे भगा सकते हैं। चूहे दोबारा घर का रुख नहीं करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये टिप है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जितने मर्जी घर में चूहे होंगे, बस एक दफ़ा के इस्तेमाल से फ़ौरन चूहे जो हैं घर से बाहर चले जाएंगे और घर से बाहर जाके मरेंगे। और यकीन जानिए, ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि तो जिन भी मेरे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, सब्सक्राइब करके अपनी इस बहन को सपोर्ट करें और लाइक कमेंट अभी से कर दीजिए। तो चलिए हम चूहे मारने के लिए दवा बना लेते हैं, जो कि घर के सामानों से ही बन के तैयार होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर लिया है मैंने गेहूँ का आटा, जो कि घर में सबके मिल जाता है। और यकीन जानिए, ये इतनी ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि गेहूँ का आटा ना चूहों को बड़े ही जो पसंद होता है, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ करा है। तो ये जो मिलके जब नरम सा डो लगता है ना, और इसके अंदर मैंने ना यहाँ पे जो है 1/2 टीस्पून के करीब जो है चीनी भी शामिल करी है। और इन सब तीनों चीज़ों की ना खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है ना, चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ शामिल करी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ना यहाँ पे नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ। और नींबू के रस के साथ है ना मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून है ना सर्फ़ भी डाला था, जो कि स्किप हो गया दिखाना, उसके लिए माजरत। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून है ना जो नॉर्मल पानी ले लिया था। और इन सब को ना मैं अच्छे से मिला लूँगी और बिल्कुल सॉफ्ट सा ना देखिएगा डो लग के तैयार हो जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर हल्का फुल्का पानी की कमी लगे आपको, ज़्यादा खुश्क लगे ये, तो उसमें आप हल्का फुल्का सा पानी डाल सकते, बाकी और कुछ हमें नहीं डालना। और ये इतनी ज़बरदस्त बॉल बनके तैयार होंगी ना, और जब इस बॉल को ना चूहे खाएंगे ना, तो ना उनके जो है गले में ना फौरन से ना ये जो बंद होने शुरू हो जाएगा गला, और है ना फिर वो पानी की तलाश करेंगे और वो घर से जल्दी से भाग जाएंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। और दूर जाके ना चूहे जो है घर से मर जाएंगे और कभी भी आपके घर में नहीं आएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है ना दवा है चूहों को भगाने के लिए। कई दफ़ा क्या होता है ना, हम महंगी महंगी सी ना दवा ले आते हैं चूहों को मारने के लिए, और है ना क्या होता है उसको खा के चूहे मर तो जाते हैं, लेकिन वो घर में ही मर जाते हैं और हमारा काम जो है दुगना हो जाता है। और इतनी बैड स्मेल आती है ना हमारे घर में, और फिर हमें ढूंढना होता है कि चूहे कहाँ मरे, क्योंकि जहाँ कोना जहाँ पे अंधेरा होता है ना चूहे उस तरफ मरे होते हैं, और फिर हमारी जो है सफाइयों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेकिन इस दवा से क्या होगा ना, चूहे मरेंगे लेकिन बिल्कुल घर के बाहर जाके मरेंगे, और आपका जो है बिल्कुल छुट्टी मिलने वाली है चूहों से। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है हम लोग के साथ शेयर करिएगा, ताकि और लोगों की भी ना जो है हेल्प हो सके, जो भी इस प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मैंने ना बॉल्स, छोटी बड़ी बॉल्स बना ली, क्योंकि कई दफ़ा छोटे बड़े चूहे होते हैं, तो उस तरह से मैंने बॉल्स बना ली है। आपको भी इसी तरह से ना बॉल्स बना लेनी है छोटी बड़ी। और फिर इसको ना रखना कैसे, आपको जैसे आपको पता होगा कि चूहे कहाँ आते हैं आपके घर में, जैसे अंधेरे कमरे में, स्टोर रूम में और किचन में, क्योंकि किचन में भी ना खाने पीने का सामान होता है, तो वहाँ आते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है ना, तो मैं क्या करूँगी ना, एक बॉल उठाऊँगी और है ना मैं अपने गैस के जो है नीचे रख दूँ, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का सामान गिरता है और फिर चूहे ना वहाँ आ जाते हैं। तो एक बॉल मैं अपने गैस चूल्हे के नीचे डालूँगी, एक बॉल जो है मैं इधर फ्रिज के इस तरफ डाल रही हूँ, क्योंकि चूहे जो है भागते हैं उधर जाके छुपते हैं। तो यहाँ पे जब ये खाएंगे ना, फ़ौरन से चूहे ना बाहर भागेंगे और घर का रुख नहीं करेंगे, और आप ना हमेशा के लिए चूहे से छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।